जी मेरा स्टूडेंट मनमोहन, नीट 2020 से सिलेक्ट होने के बाद 619 नंबर बच्चे के आए और ये इस समय सैफई मेडिकल कॉलेज में पहुंच चुका है। ये मेरा भी स्टूडेंट और विनोद सर का स्टूडेंट। बेटा तुम बताओ मनमोहन, क्या लगता है जो बहुत लोग नाटक करते हैं कि कम पढ़ो, ये पढ़ो, वो ना पढ़ो, ये बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा, क्योंकि हजरतगंज के अंदर कुछ लोगों ने ऐसी अफवाह वाला शुरू कर दिया है कि गजेंद्र सर विनोद सर को बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं, इतना आप नहीं आता है, क्या मनमोहन तुम्हें लगता है ऐसा होना चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जैसा जितना सर ने पढ़ाया, हमने वही नोट्स पढ़े, पूरा वही पढ़ा, और इससे कम अगर पढ़ोगे तो सिलेक्शन के चांस बिल्कुल भी मेरे हिसाब से तो नहीं है। जैसा ने जो दिया वही मैंने पढ़ा, उसी को फॉलो करूँ, क्योंकि उन गाइडेंस में रहा, उन्हीं के नोट्स पढ़ा। बाकी अब आप लोगों के से बहुत लोग कहते हैं, आप लोग सजेस्ट करते होंगे तो उसमें देख लीजिए कितने नंबर आते हैं उनके, कितने कहाँ पे हैं आज वो रोड पे हैं या कहाँ पे। मैं कहा जो बच्चे बोलते हैं हमें तो नहीं लगता पढ़ने से, और फिर आपको आगे भी बहुत ही पढ़ना ही है, आपको जॉब नहीं मिले तुरंत जस्ट जॉब मिल जाए, आगे बहुत ज्यादा पढ़ना है। क्या इतना आसान सिलेक्शन हो जाए, कम पढ़ के काम चल सकता है? इसे बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी देखिए 720 में 605 606 कटा दर ओबीसी का, मैं ओबीसी से हूँ, 605 606 कटा दर कहाँ से मिलेगा, कौन सा सब्जेक्ट आप छोड़ देंगे, इतना कम पढ़ के क्या लगेगा? मतलब आपको बाहर थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन आप एनटीए के जो एनटीए में आए डाउन है बताया था उसमें आप देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, उसमें तो आप नहीं कह सकते कहाँ के बाहर के, वो तो एनटीए उन्होंने दिया है। तो ये जो बच्चों अफवाह उड़ाई गई है लखनऊ के अंदर कि ये पढ़ो वो ना पढ़ो, ये ज्यादा है कम ज्यादा है, बच्चों इतना जान लो ये मेरा बच्चा खड़ा हुआ है, हमसे पढ़ा है, दोस्तों से पढ़ा हुआ है, दोनों से पढ़ने के बाद इस समय 2020 नीट में 619 नंबर पाकर के सेकंड लेवल पहुंच चुका है। अगर ये बच्चा कह रहा है कि जो लोग बोलते हैं ये पढ़ो ये ना पढ़ो बहुत ज्यादा हो रहा है, जो भी इस चक्कर पड़ता है किसका सिलेक्शन हो रहा है आज कल सब रोड पे टहल रहे हैं, तुम बताओ बेटा रोड पे टहल रहे हैं, ये हाल है। इसलिए बच्चों बी केयरफुल और जम के पढ़ाई करो। थैंक यू।